हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड टुडे वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं नॉन मेटल्स में क्या होता है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट हैपन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी कोई नॉन मेटल क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो इट फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड तो बनेगा, ठीक है, लेकिन नेचर में कैसा होगा, वो एसिडिक बनेगा। ठीक है, एंड बट देयर आर सम ऑक्साइड आल्सो न्यूट्रल इन द नेचर्स। ठीक है, जब भी कोई कुछ मेटल नॉन मेटल ऐसी होती हैं, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो वो उनका जो ऑक्साइड बनता है वो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब भी व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो दो तरह के ऑक्साइड क्या है, ये बनाती है। जब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो हम एसिडिक ऑक्साइड को देखते हैं। अब कार्बन आपके पास क्या है, एक नॉन मेटल है। व्हेन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगी ये, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, मतलब CO2 बनाएगी। व्हेन CO2 डिजोल्व या मिक्स विद द वाटर, इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड्स। जब ये वाटर में डिजोल्व होती है, तो इसे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3। क्या बनता है, H2CO3। तो इट फॉर्म ए एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, नॉन मेटल का ऑक्साइड था। जब इसने वाटर से रिएक्शन किया, तो इसने एक एसिड की फॉर्मेशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेचर होती है मेटल ऑक्साइड की, ऑफ द नॉन मेटल, दैट इज द एसिडिक इन द नेचर। ठीक है, अब मान लिया आपके पास सल्फर है, सल्फर भी क्या है, नॉन मेटल है। अब व्हेन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाती है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे, क्या किसमें डिजोल्व करोगे, वाटर के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन डिजोल्व इन द वाटर, इट फॉर्म द H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाता है ये, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। क्या बनाता है ये, सल्फ्यूरस एसिड्स। ठीक है, तो इन रिएक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर जनरली एसिडिक इन द नेचर। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या है, सल्फर जो नॉन मेटल है सॉलिड फॉर्म के अंदर, अगर सल्फर आपने पाउडर ले लिया किसी भी एक स्पून के अंदर, ठीक है, मान लिया ये क्या कोई एक स्पून है, ठीक है, स्पून में क्या है, ये सल्फर पाउडर है। क्या है ये, सल्फर का पाउडर है। जब आप सल्फर पाउडर को क्या करोगे, यहां से हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, हीट करोगे तो यहां से क्या होता है, SO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकलेगी। क्योंकि जब आप सल्फर को हीट करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आप क्या करो, जहाँ जब जैसे आप इसको हीट करो, तो यहाँ से गैस निकलती, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक जो वेट लिटमस पेपर को लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे, वेट लिटमस पेपर को। अगर आप इसके पास वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू क्या हो जाएगा, रेड चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू टू द रेड। रेड में चेंज होने का मतलब क्या है, कि जो मेटल का जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेचर में कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों ये क्या है, नॉन मेटल है। तब जब ये क्रिया करती है, तो इससे क्या बनता है, वाटर बनता है ना, क्या बनता है, H2O बनता है। मान लिया आपके पास कार्बन है, और क्या ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो इससे बनता है 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो दीज ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स आर, मतलब क्या होते हैं, दीज आर न्यूट्रल इन द नेचर। तो ये जो ऑक्साइड है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, ये न्यूट्रल्स। ठीक है, नॉर एसिडिक नॉर बेसिक, दीज आर द न्यूट्रल इन द नेचर। ठीक है, अब मान लिया क्या, जो वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इट ब्रेक इन टू द H पॉजिटिव आयन एंड द OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, तो दीज हैव द बोथ सेम चार्ज,
वन पॉजिटिव एंड वन द नेगेटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, कैंसिल हो गया, तो इट बिकम द न्यूट्रल्स, नो चार्ज। ठीक है, इसी तरह से CO के ऊपर होता है, CO पे, C पे पॉजिटिव होता है, O पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, वन वन होता है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ये जो ऑक्साइड बनते कैसे बनते हैं, दीज आर न्यूट्रल एंड दीज आर द एसिडिक इन द नेचर्स। ठीक है, मेनली बनते हैं एसिडिक नेचर के अंदर। ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड है रिएक्शन विद वॉटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द वॉटर। जो वॉटर के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होती है, डज नॉट रिएक्ट विद द वॉटर टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, दोनों को एक साथ ही बता देते हैं। रिएक्शन विद द एसिड्स, विद डाइल्यूट एसिड, तो इसके अंदर से भी क्या होता है, व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड इट डज नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। क्यों नहीं कर पाती, ये जो डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाते हाइड्रोजन गैस को, बिकॉज व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद द वॉटर और विद द डाइल्यूट एसिड इट डज नॉट रिड्यूस द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकती, ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकती। ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकती, और जब तक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करोगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा, और हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हुआ तो वो H2 गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो नॉन मेटल होती है वो डज नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जिसके कारण इसमें क्या है, H2 नहीं बनता, और H2 ना बनने के कारण यहाँ से जो H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी, मतलब जो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वॉटर सिंपली। ठीक है, और उसी तरह से जो डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड और डू नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल डज नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉट ए डोनेटर, ये डोनेट नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट करती हैं, और एक्सेप्ट करेंगी तो जिसके कारण वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगी और उससे हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद द मेटल साल्ट, रिएक्शन विद द मेटल सॉरी नॉन मेटल साल्ट, रिएक्शन विद द नॉन मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं, हम अगर आप कोई भी नॉन मेटल क्या करते हैं, किसी भी एक साल्ट सॉल्यूशन से क्या करती है, रिएक्शन करती है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल, ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, विद साल्ट सॉल्यूशन ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई नॉन मेटल क्या करती है, साल्ट सॉल्यूशन से क्या करती है, रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो जो द नॉन मेटल विच आर मोर रिएक्टिव इन द नेचर कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, NaBr2 है, Na2Br। ठीक है, और प्लस क्या आपके पास क्या है, क्लोरीन गैस है, तो जो क्लोरीन क्या करेगी, इसके अंदर से इसको ब्रोमीन क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि दिस नॉन मेटल इज मोर एक्टिव देन द ब्रोमीन। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, 2NaCl प्लस Br, इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन नॉन मेटल इज द मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमीन, से क्या होती है, रिएक्टिव होती है, तो इसलिए इस साल्ट सोल्यूशन में से ये क्लोरीन क्या करती है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देती है, यहाँ से हटा देती है। ठीक है, नेक्स्ट विद द रिएक्शन विद द क्लोरीन, रिएक्शन विद द क्लोरीन, तो व्हेन ए
नॉन मेटल रिएक्शन रिएक्ट विद द क्लोरीन, इट फॉर्म द मेटल नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगी, और वो जो क्लोराइड बनता है वो क्या होता है, कोवेलेंट कोवेलेंट क्लोराइड बनता है। कैसा बनता है वो, कोवेलेंट क्लोराइड बनता है, ठीक है। जब भी कोई नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करती है तो इट फॉर्म ए कोवेलेंट कोवेलेंट क्लोराइड्स, इट फॉर्म द कोवेलेंट क्लोराइड बनाती है वो, ठीक है। और दीज कोवेलेंट क्लोराइड्स आर नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक इन द नेचर, दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, मतलब दीज कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये मान लिया आपके पास क्या हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है सी एल है, टू है गैस है, तो अगर ये आपस में क्रिया करेंगे तो इससे क्या बनता है, एच सी एल बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इट इज ए कोवेलेंट क्लोराइड होता है, कैसा होता है ये कोवेलेंट क्लोराइड रहता है, और नेचर में कैसा होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। ये मान लिया आपके पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ने क्या किया, किया जो अपना क्लोरीन है इससे क्या किया रिएक्शन किया, तो उससे बनता है PCl3 बनता है, क्या बनता है PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड उससे क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो दीज इट इज आल्सो ए कोवेलेंट कोवेलेंट क्लोराइड, इट इज आल्सो ए कोवेलेंट क्लोराइड ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, तो व्हेन ए नॉन मेटल मान लिया सल्फर आपके पास है, इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन तो इट फॉर्म द मेटल नॉन मेटल हाइड्राइड्स, तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स आल्सो आर द कोवेलेंट इन द नेचर्स, तो जो मेटल हाइड्राइड वो भी क्या बनते हैं कोवेलेंट बनते हैं नेचर के अंदर, क्या बनते हैं कोवेलेंट, ठीक है। ये मान लिया आपके पास सल्फर थी, यहाँ पे आपके पास से मान लिया क्या है नाइट्रोजन है, और जब ये क्या करते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनता है अमोनिया बनता है NH3, क्या बनता है अमोनिया, तो इट इज आल्सो ए कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी किसी नॉन मेटल्स की विद द डिफरेंट थिंग्स एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड्स। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स हैं उसके यूजेज क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जो कॉपर है और एल्यूमिनियम है, दीज मेटल्स आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर, कौन सी कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर का होता है CU और एल्यूमिनियम होता है AL, कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल वायर, आर यूज टू द इलेक्ट्रिकल वायर। तो इन मेटल की हम इलेक्ट्रिकल वायर क्यों बनाते हैं, बिकॉज दीज मेटल्स हैव द लो रेजिस्टेंस, मतलब इनमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है कैन पास इजिली, रेजिस्टेंस लो होता है जिसके कारण ये गर्म नहीं होती इतनी जल्दी से, और इसलिए इनको इनसे जो और ये थोड़ी सी सस्ती भी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, जैसे गोल्ड भी है सिल्वर भी है, दे आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर वेरी कॉस्टली, वी कैन नॉट मेड द वायर फ्रॉम दोज मेटल्स, ठीक है। तो कुछ अदर मेटल्स हैं जैसे आपके पास कॉपर भी आप माल ले सकते हो, इसके अंदर एल्यूमिनियम है आपके पास, आयरन है, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर यूज टू मेक द यूटेंसिल्स फॉर द हाउस होल्ड, इसकी में से हम क्या करते हैं यूटेंसिल्स बनाते हैं, आर यूज टू फॉर्म द यूटेंसिल्स फॉर द हाउस होल्ड एंड फॉर्म द एंड फैक्ट्रीज इक्विपमेंट, जो फैक्ट्री के अंदर जो उपकरण होते हैं जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, तो वो भी इन मेटल से हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम से आयरन से वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आयरन जो मेटल होती है, आयरन मेटल जो आयरन है, ठीक है, आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया
टू फॉर्म अमोनिया फ्रॉम द हैबर प्रोसेस। किस प्रोसेस से? हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया को, हैबर प्रोसेस से हम क्या करते हैं अमोनिया बनाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं जो आयरन है एक कैटलिस्ट के रूप में क्या होता है यूज होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द दोज केमिकल कंपाउंड्स या दोज थिंग्स विच हेल्प टू स्पीड अप ए रिएक्शन, जो किसी भी एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने में या उसको होने में सहायता करते हैं। तो वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हमें कैटलिस्ट उसको हमें बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे जो ज्वेलरीज वगैरह हैं, जो गोल्ड है आपका, गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेक द ज्वेलरी। तो इसको हम ज्वेलरी बनाने में क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज करते हैं? दीज आर द नॉन कोरोसिव इन द नेचर, मतलब इनको जो जंग है वो बहुत कम लगता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होती हैं, और इसलिए हम इनको क्या करते हैं ज्वेलरी बनाने में क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड और सिल्वर की जो थिन फॉइल्स होते हैं, तो दे आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द स्वीट्स, दे ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द स्वीट्स। तो उनको हम मिठाइयों को सजाने में, उसको डेकोरेट करने में इसके जो फॉइल्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, गोल्ड के और सिल्वर के, ठीक है। ये नेक्स्ट है जो एल्यूमिनियम होता है आपका, जो एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का जो फॉइल होता है, इट इज यूज टू पैक फॉर द पैकेजिंग द मेडिसिन, सिगरेट एंड फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं सिल्वर फॉइल के अंदर क्या करते हैं उसको पैक करने में क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। एक मेटल है आपकी लिक्विड में, जो मेटल जिसको हम बोलते हैं, जो मरकरी होती है। तो मरकरी जो हमारी क्या एच जी मेटल है, इट इज़ यूज इन द थर्मामीटर। किसमें यूज होती है? थर्मामीटर में क्या करती है? यूज होती है, जिससे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, तो दीज मेटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म द या यूज इन द एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज होती है, और आल्सो यूज इन द स्पेस टू फॉर्म द स्पेस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि नेचर में हल्की होती हैं, और इनको स्पेस में जाने के लिए जो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो बनाते हैं, तो उनमें इन जो मेटलों का क्या होता है, जिरकोनियम का और टाइटेनियम का क्या होता है यूज होता है, ठीक है। एक मेटल है आपकी जो लेड होती है, लेड इज यूज इन द बैटरी। किसके अंदर होती है लेड? किस में यूज होती है? बैटरी बनाने में क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं लेड को। तो वो ये भी क्या है, कहाँ से मतलब अच्छी यूजफुल मेटल है लेड। तो इसको हम क्या करते हैं यूज इन द बैटरी में के अंदर, जो इलेक्ट्रोड होती हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में क्या करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? बैटरी के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द सम यूज ऑफ द मेटल्स, ठीक है। ये मेटल्स के क्या थे? यूज थे। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ द नॉन मेटल्स। यूजेज और भी हैं बेटा, लेकिन कितने भी कर लो काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना क्या है सुफिशियंट है। यूजेज ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स के यूज क्या क्या होते हैं? अब सबसे पहले हम देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होती है, तो इट इज़ यूज्ड टू इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इसके अंदर यूज होती है एक प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। तो इस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं जो हाइड्रोजन प्रोसेस, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है, इट इज़ यूज्ड टू मेक द वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। अब जो वेजिटेबल ऑयल होता है क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल हम जो घी बनाते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति क्या बनाते हैं? घी बनाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? यूज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आल्सो यूज इन टू फॉर्म द अमोनिया
हाइड्रोजन ऑल्सो यूज टू फॉर्म द अमोनिया, अमोनिया या अमोनियम फर्टिलाइजर। अमोनियम फर्टिलाइजर को बनाने में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन द रॉकेट फ्यूल। इसको हम किस में यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल्स में, क्या है, ईंधन के रूप में रॉकेट्स के अंदर यूज करते हैं किसको, हमें लिक्विड हाइड्रोजन को, ठीक है। तो जो कार्बन होती है, कार्बन भी क्या है कि नॉन मेटल है, तो इट इज यूज इन द टू फॉर्म द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। जो ड्राई सेल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स बनी होती है, किसकी बनी होती है, कार्बन्स की क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नाइट्रोजन है आपकी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को इट इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव गैस, क्योंकि ये क्या होती है, एक इनर्ट गैस है, क्या ये एक इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस होने के कारण इट इज यूज टू प्रिजर्व द फूड, टू प्रिजर्व द फूड को प्रिजर्व करने में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको, नाइट्रोजन को, ठीक है, बिकॉज इट इज इनर्ट गैस। नाइट्रोजन का दूसरा यूज क्या होता है, इट इज यूज ऑल्सो फॉर टू फॉर्म द अमोनिया गैस को बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाइड्रोजन आपकी क्या है, एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी आपकी क्या है, एक नॉन मेटल है, दिज आर यूज टू फॉर्म द HCl एसिड को बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होते हैं, तो इससे क्या होते हैं, कुछ जो एक्सप्लोसिव जो चीज है, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, और नाइट्रोग्लाइसरीन, तो दीज आर द एक्सप्लोसिव, जो ये नेचर में क्या होते हैं, विस्फोट चीज होते हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो ऑक्सीजन है, वो भी क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल से, तो उसका यूज क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस के अंदर होता है, किसमें होता है, बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस से क्या होता है, यूज होता है, तो इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल्स। तो जो सल्फर होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स, इट इज यूज इन द वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर, रबर को बनाने में या उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हम क्या इसका यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। दूसरा जो सल्फर का यूज होता है, वो होता है गन पाउडर के अंदर, किसमें होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन द गन पाउडर में, सल्फर का क्या होगा, यूज होता है, किसमें होता है, गन पाउडर के अंदर, ठीक है। और जो आपकी ग्रेफाइट है, वो कार्बन का रूप होगा, वो तो एक ही बात होगी, आपके इलेक्ट्रोड बनाने में यूज होगा। जैसे आपका जो डायमंड है, ठीक है, वो किस में यूज होती है, वो भी कार्बन का एक क्या होता है, एलेट्रोप्स होता है, इट इज़ यूज टू फॉर्म द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, या ज्वेलरी, जो अपनी जो आभूषण होते हैं उसमें हम डायमंड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम यूजेज ऑफ द नॉन मेटल्स आल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, जो सिंपल तो आप बटा आप भी याद कर लोगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपका आज के लेक्चर को फिनिश करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, थैंक यू।